My dear student, today I will discuss 2008 history paper NET examination. ये जो आया था तो इस क्वेश्चन का जैसे हम लोग ओवरव्यू मतलब समझेंगे और 100 क्वेश्चन है, इसे आपको 4-5 नंबर कहीं पर भी मिलने का है। तो ये जो है 100 क्वेश्चन, तो जैसे अब ये हिस्टोरियन सब क्या बोला था, हिस्ट्री क्या है जी, मतलब कहाँ पे किस पीरियड में क्या बोला था गया था नहीं बोला गया था, ये सब चीज़ है तो आपको समझना चाहिए जो मतलब किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये मैं क्रैक भी किया हूँ तो इसीलिए जो है सो इसको देखिए, ये यूपीएससी के लिए काम आएगा और ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन बोल दिया है कुछ क्या बोला था, हेनरी रिपेन क्या बोला था, रेनियर क्या बोला था, देखिए इसका मैं मैच लगा दिया हूँ। जैसे ऑल पास्ट इज माई पास्ट, आई वॉन्ट टू रिकैप्चर फॉर ऑल माई, मतलब ये स्टेटमेंट था उनका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो पहला का जो है पहला आंसर होगा ए का, सेकेंड बी का मैच करा दिया हूँ, आप देख सकते हैं। दूसरा है अथर, अथर जो है अथर जानते हैं इम्पोर्टेंट, पर इसमें बोला है कौन सा गलत है, तो फोर्थ नंबर गलत है टीवी महल महल गिन जो है सो यह बुक नहीं लिखे द पांडियन किंगडम। हम लिस्ट दे देंगे इसका, लेकिन इतना याद रखिए एस की मैथ लिखा था द इकोनॉमिक लाइफ इन द नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्ता पीरियड, और आर के मुखर्जी जैसे लिखे थे हिस्ट्री ऑफ द इंडियन स्पेनिंग, और आर सी मजुमदार जो लिखे थे हिंदू कॉलोनीज इन द फार ईस्ट। सो आई होप ये तीनों बुक का कम से कम नाम याद रखिएगा, आपका कोई ना कोई एग्जाम पूछ ही देगा। जैसे तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिकल साइट्स इज नॉन फॉर द मास प्रोडक्शंस फॉर माइक्रोब्स, कहने का अर्थ हुआ निम्नलिखित प्रोडक्शन स्थल बड़े परिणाम में लघु स्थान को उत्पादन के लिए जाना जाता। तो ये था अहमदगढ़, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। चौथा जो है सो आपका जो है सो निम्नलिखित में से कौन कौन सी वस्तुएँ ताम्र ताम्र कॉपर जानते हैं निश्चित स्थल में ज्ञात होती है, ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है सो फोर हो जाएगा, सब है ए बी सी डी जो है सब है, सब है ये जितना है सब है। पाँचवा है निम्नलिखित में से हड़प्पा हड़प्पा सिविलाइजेशन जानते हैं, तो लोगों की जनसाधारण की जागरूकता एवं तकनीक कौशल के परिणाम कौन सा है, तो इसका जो है सो आपका ए नंबर हो जाएगा, ए और बी मतलब धोवल धोविलरा और मोहनजोदड़ो, नाम सुने हैं मोहनजोदड़ो एक तो मूवी भी आया था, तो ये हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा मतलब फर्स्ट नंबर। सिक्स ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है, तो मतलब जन जानते हैं तो ऋग्वेद में कितना मंत्र है वे सब जानते हैं, यहीं से गायत्री मंत्र लिया गया था, वो सारा चीज़ सब उसका डिस्कशन होगा, क्वेश्चन समझिए। इसका आंसर जो है सब फोर्थ हो जाएगा, सब लिया गया, यदु लिया गया है, पुरु लिया गया है, चेदी लिया गया है, मत्स्य लिया गया, सब ऋग्वेद से ये उल्लेखित है। उसका है वैदिक युग में राजाओं के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था, वैदिक युग में वैदिक पीरियड है, तो ये है पुरोहित को ज़्यादा महत्व दिया गया, तो इसका दूसरा हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, एट में चलते हैं। अब क्या है ये भी जो है सो एक प्रोविंस है, इसको मैच करने को बोला है कौन सा किंग किससे बिलोंग करता है, तो जैसे इसमें बोला है मतलब कौन सा गलत है, जैसे अजात शत्रु जो है सो वे मतलब मैच नहीं कर रहा है, मतलब इसका पहला हो जाएगा, बाकी जो है सो ये सही हो जाएगा, ये अजात शत्रु मगध से नहीं था वो दूसरे जगह से था, और बाकी अशुपति के कैसे था, उसके बाद जनक जो है सो विदेह जाना जानते हैं जनक, उसके बाद ये नेपाल का जनक जो रामायण के बारे में पढ़ते हैं, प्रवाहन जयली ये पंचाल से था, ये 16 महाजनपद के बारे में पढ़िए आप और हम नहीं तो हम समझेंगे, ये सब हमारा पढ़ा हुआ है और क्रैक है, इसीलिए हम ये ओवरव्यू देना चाहते हैं कैसे क्वेश्चन आ रहा है। 9 नंबर वाला है दिगंबर और स्वतंबर, जानते हैं ये जैन धर्म का है, दिगंबर एंड स्वतंबर मध्य मुख्य विवाद निम्न जोर से कारण था, मतलब क्या कॉज था, तो इसका होगा उसमें डिसिप्लिन एंड हार्ड लाइफ मतलब अनुशासन कठोर जीवन, दस है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं मतलब कौन सा मैच नहीं है, तो पहला जो है सो ये मैच मतलब रॉन्ग हो जाता है, ये जो है सो लोरैया नंदगढ़ जो है सो ऋषभ से नहीं है, बाकी रामपुरवा सिंह ये सही है, सांची का जानते हैं सांची का स्तूप जो है सिंह है, संकिसा गज है, तो 11th में चलते हैं, ये भी सम्मिलित है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका जो आंसर होगा ए नंबर होगा, कहने का सेंस वह पहला गलत है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व के संदेह अस्पद माना जाता है, लेकिन सभी स्टूडेंट समझता है चंद्रगुप्त
जैसे कोटल लिखे था, लेकिन ऐसा नहीं है। और आर मतलब दूसरा जो है कारण, कॉज, ये कारण यहाँ पर बताया गया है। पतंजलि कोटल के उल्लेखित नहीं करते, यद्यपि वे चंद्रगुप्त के सभी के मौर्य का उल्लेख करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा तो मेगास्थनीज उसी के दरबार में आया था चंद्रगुप्त का, ये भी पूछेंगे हिंदी का, तो ये सब जो है सो याद रखना है इसी तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग समरक्स वेयर फ्री नेटल, कहने का सेंस क्या है, निम्नलिखित में से कौन से बच्चे जन्म के पूर्व संपादित होते, तो कहने का सेंस इसका तीनों हो जाएगा, गवर्धन, उसके बाद पुंसवर्धन, सम्योन्तन, और उसके बाद जो है सो संवर्धन, चारी, संयोग। यहाँ पर क्वेश्चन है, आप देख पढ़ सकते हैं। तो ये तीन जो है सो ए बी सी, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा, बाकी तीनों सही है, ये भी सही है, बी सी भी। तेरा मैं निम्नलिखित में से किस धर्म सूत्र में समुद्रयान पीतन कर्म कहा जाता था, तो ये जो था सो आपका बौद्ध यान था, बौद्ध धर्म के बारे में, तो सबका हम देंगे एक एक करके, ये समझिए और भी पहले क्वेश्चन पर समझिए। सुम काल में बुद्ध में कौन से चिन्हित किया गया था, मतलब बौद्ध धर्म कौन सा एक तो सिंबल के रूप में था, तो ये फोर्थ था। इसमें छत्र भी था, चरण चिन्ह भी था, धर्मचक्र भी था, बोधि वृक्ष भी था, जानते होंगे चक्र, फुट स्टेप, धर्मचक्र, बौद्धि ट्री, बौद्ध ट्री, वो इसी पर जैसे बौद्ध का ज्ञान होता है। पत्र सत्वाहन अभिलेख में भू दानों के मामले में उल्लेख नहीं है, कौन सा उल्लेख नहीं है, तो ये आपका जो है सो सेकेंड जो है सो उल्लेख नहीं है। जब आप इसमें जाइएगा सत्वाहन इंडस्ट्री में, तो सत्वाहन इंडस्ट्री में तो आपको समझ में आएगा, राजा के मतलब नो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ किंग, मतलब राजा का प्रशासन नियंत्रण कोई पर प्रतिबंध था, जो भी है ये सेकेंड देख लीजिएगा। फोर्थ है, निम्न में से कौन किन्हों ने अपने सिक्कों का शिव को अंकित किया था, मतलब हु अमंग द फॉलोइंग डिपिक्टेड शिव ऑन द कॉइंस, मतलब सिक्का पर कौन किया था, तो ये जो है सो चौथा इसका आंसर हो जाएगा। कहने का सेंस हर्ष भी किया था, शासंक भी किया था, ये बंगाल का जो है बिलोंग करता है, वासुदेव और विश कैट कैट फीसेस, ये चारों शासक जो है सो कॉइन का जो है शिव पर अंकित किया था। तो इस वक्त तक हम डिस्कस कर लेते शिव का सहजता सब क्या, तो 17 का क्वेश्चन है, मैच करने के लिए बोल रहा है, तो 17 का आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या सब है। तो इसका जो है सो 3 होगा आंसर, मतलब ए का जो है सो आपका थर्ड, ए का थर्ड जो है सो रुद्रमान है, आप मैच कर सकते हैं। उसका मैच इधर का जो है सो फर्स्ट है, और ये कुमार गुप्त जो है सो उसके बाद ये गुप्त वंश का से रिलेटेड है। उसका सी नंबर है आपका 1, मतलब इसका सी का है सेकेंड, सी का आपका सेकेंड है अशोक, अशोक इज अ वेरी फेमस, यही जो था धर्म को फैलाया। आपको क्वेश्चन यूपीएससी बोल रहे पूछा है, मतलब कौन सा राजा जो है सो ये मतलब अपना मतलब धर्म को जो है सो विदेशों में फैलाया, तो यही अशोक है जो आपको इनका नाम वेरी फेमस, ये इसको महान ग्रेट अशोक वैसे ही नहीं बोला जाता, ये मतलब बौद्ध धर्म उनका जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो वे धर्म जो है ये भी क्वेश्चन पूछा था, वे जैन धर्म अपनाया था, लेकिन अशोक जो है सो वो ये जो है सो अशोक बौद्ध धर्म अपनाया था। ये बौद्ध धर्म को जो है सो बुद्ध धर्म जो भी बोलते हैं, ये बुद्ध रिलीजन को पूरा श्रीलंका ये जो है सो चाइना सब में जो है सो फैला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। 18 है, 18 का जो है सो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये शताब्दी वाला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, अब पढ़िएगा कौन सा सही है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। 99 निम्नलिखित में से बंगाल की भूमि की माप, मतलब कैसे भी ये सब होता था, पहले जो बंगाल में मेजरमेंट होता था तो ये सब कैसे होता था, इसको कोड हम यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला का ए हो जाएगा, सी होगा, ए होगा, बी होगा, मतलब इसको कैसे मतलब क्रम से उस तरह से दिया है। अब क्वेश्चन पढ़िए और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बोल सकते हैं, इस पर हम प्रत्येक पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। जो किनके अभिलेखों में जलकर साक्ष्य मिलता, मतलब कहने का सेंस है एविडेंस ऑफ वाटर टैक्स इज प्रोवाइडेड बाय ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ, तो ये जो है सो प्रतिहार है, प्रतिहार वंश सुने होंगे, पढ़िएगा प्रतिहार में जाकर के, गूगल में सर्च मारिएगा तो मिलेगा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, ऐसे करके अगर 100 करते हैं तो बहुत कुछ मिलेगा। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से व्याख्या पृथ्वी के धुरी पर घूरने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो ये पहले जो है सो कम लगता भास्कर बोला,
ये हिस्टोरी क्या है, वैसे तो हम लोग जानते हैं जो है सो कोपरनिकस पहले बोला था, उसके बाद जो है सो प्रूफ जो है सो गैलीलियो किया था। इसमें जो है सो निम्नलिखित में से कौन बड़े तमिल संत थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला होगा इसका ए बी सी, यानी कि अम्बर भी थे, सुंदर मूर्ति भी थे, मणिकवासकर भी थे, और डी नहीं है, डी नहीं है, ए बी सी है। उसका जो है 23, राष्ट्र किस विषय में कौन सा गलत है, मतलब कौन सा गलत है, तो इसका थर्ड नंबर गलत है, बाकी सब कुछ सही है। एलोरा में कृष्ण सेकेंड के आदेश में कैलाश मंदिर को काट कर बनाया गया था, ऐसा नहीं है, बाकी जितना सर तीन टॉप से क्वेश्चन देख सकते हैं सही है। चोल शासन में लागू वसूली का माध्यम क्या था, मतलब कैसे टैक्स वसूल करता था, तो 24th का आपका जो है सो ये जो है सो ग्राम सभा हो जाएगा। 25 है कश्मीर में निम्नलिखित राजाओं का कलाम कार्ड रखिए, तो ये जो है सो आपका 25 का जो है सो थर्ड नंबर हो जाएगा, आप मैच कीजिए, क्योंकि ये सब मेरा क्या हुआ है, आप थोड़ा ओवर की गया बनाया हुआ है, हम ये थोड़ा सर्च किए थे, लेकिन हमारा अच्छा स्कोर भी रहा था इसमें। 26 में चलिए, निम्नलिखित में से लिखे जाने में क्रम के कला अनुसार, ये मतलब क्रॉनिकल जो है, क्रॉनिकल एक वन वर्ड भी पूछ देता है, तो इसका 26 का जो है सो थर्ड हो जाएगा, इसको मैच करा लीजिए आप, देखिए तो आपको अच्छा समझ में आएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में विशेषकर एक नई प्रवृत्ति लक्षित होती है, तो ये क्या है, लास्टिक जो हम बोलते हैं लास्टिक ग्रंथ ग्राथिका जो भी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अच्छी तरह से, तो यहाँ पे जैसे इसका थर्ड आंसर हो जाएगा कलचुरी। कलचुरी पर आप जब मारिएगा तो समझिए क्या है, कनक चालू क्या है, चोल क्या है, राष्ट्रकूट क्या है, ये सब डायनेस्टी सब है, सब समझिएगा, और जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है उसको तो ये मालूम होगा, लेकिन क्वेश्चन जो न्यू है उसके लिए बहुत फायदामंद होगा और सभी के लिए फायदा होगा। उसका 20 से राजाओं का क्रम अनुसार रखिए, तो ये जो मतलब एक क्रम वाइज है, तो ये इसका जो है सो आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ में जो है सो आप देख सकते हैं डी पहले होगा प्रतिहार भोज, उसका सी जो है सो कुर्ण भोज, बी जो है सो उसके बाद ये हो जाएगा, मतलब ऐसे ही हो जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से ये क्रॉनिकल है, इसको याद रखना, मतलब प्रतिहार भोज। उसका 29 में बोला है मैच कराने वाला है वही जो कौन सा मंदिर ये सब से दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है सो फर्स्ट हो जाएगा, तो कहने का सेंस वो फर्स्ट ए का क्या है फर्स्ट, तो ए हमारा कहाँ पे ए का यही होगा, बी का फोर्थ, तो बी हमारा क्या, ये भुवनेश्वर मंदिर जानते, भुवनेश्वर जैसे उड़ीसा में इसको ब्रह्मेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, और कोणार्क का टेम्पल ये भी जो है सो आपका उड़ीसा में ही है, उसको बहुत बार पूछा, ये याद रखेगा। लक्ष्मी और बी का क्या है फोर्थ, तो बी का जो है सो फोर्थ चला जाएगा वास का, और सी का जो है सो थर्ड हो जाएगा, सी का थर्ड हो जाएगा और डी का सेकेंड हो जाएगा, तो ये आप देख लीजिएगा क्वेश्चन। 30 जो है सो जैन कौन सा सूची मिलाने का लगा, 13 का जो है सो फोर्थ हो जाएगा, क्वेश्चन देख सकते हैं अगेन, मतलब ये मैं थोड़ा ओवरव्यू दिया हूँ और हिस्ट्री से आपको जो भी प्रॉब्लम सब डिस्कस करेंगे। फोर्थ का जो है सो गुलाकी मठ के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है, तो आपका जो है सो फोर्थ नंबर हो जाएगा, एक भी सही नहीं है, यहाँ पर जितना सर लिखा हुआ है एक भी सही नहीं। 32 है पूर्व मध्यकालीन भारत में घटीय यंत्र का उपयोग हुआ था, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, क्या हुआ था सेकेंड आपका, कहने का सेंस इरीगेशन फ्रॉम वेल्स, मतलब वहाँ पे जो इरीगेशन होता है खेती बाड़ी होता था कुआं से होता था, ये सिंचाई है यहाँ पे दिया हुआ सेकेंड। 33 है ये भी मैच करने वाला था, इसका फर्स्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं क्या बोलना चाह रहा है, तो कैसे क्वेश्चन पूछता है ए कारण दे दिया, तो इस तरह से आपको समझना होगा, इसको हम डिस्कस कर। 34 में अरबी यात्री स्थाड़ी के बारे में क्या सही नहीं है, मतलब कौन सा मतलब रॉन्ग है, तो इसका जो है सो टू हो जाएगा, ये जो है सो ही विजिटेड इन इंडिया, मतलब ये 1991 में नहीं आया था, बाकी ये कुरान कर्फ का निवासी था, इसका किताब ये सब भी है, कहा जाता है कि विश्व में एक मानचित्र बनाया था, यही जो है जो अरब का यात्री इस तक खड़ी, ये याद रखिएगा, ये मानचित्र भी बनाया था, मैप भी बनाया था। तो 35 पर चलते हैं, 35 क्या है निम्नलिखित में से सही है नहीं, कौन सा सही नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है इसका आंसर जो है सो सेकेंड हो जाएगा, आप मैच करा लीजिएगा। 36 है निम्नलिखित में से कौन सा रचना नहीं हुआ, तो ये 36 का जो है सो आपको हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। महाभारत में फारसी के अनुवाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन किया था, कौन करवाया था, ये सब क्वेश्चन पढ़िए और
जो आंसर दे रहे हैं उसको आप मैच करने की कोशिश करें। 37 का आपका हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा सुल्तान जैलून अबाउद्दीन। 38 का जैन कल्पसूत्र के सबसे प्राचीन चित्रकारी में से कौन था, तो ये हो जाएगा जैनपुर एंड गुजरात। उसका जो है सो 39 का क्वेश्चन आप पढ़िएगा, ये है जो है क्या बोला गया है बरानी राइटर्स, ये सब देख सकते हैं क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी बिलिंगुअल है, तो इसका जो आंसर जो है सब फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद 40 है यहाँ पे, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िएगा, इसको हम डिस्कस भी करने हैं, लेकिन ये आप पहले अपना रिव्यू किए, इसका आंसर कुछ भी नहीं बहुत, यही जो है सर मतलब मीडिएवल हिस्ट्री में जो है सो स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी आप लोग सुने होंगे, स्लेव डायनेस्टी का यही जो है सो डायनेस्टी का ये मतलब डिस्कवर किया था जो खिलजी वंश से, और उसका आ गया है। 41 में क्या है, तो ये 41 में बलबन के बारे में बोला है, तो जो भी है ये बहुत सारा फिर से लगा, तो 41 की ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 41 का आपको हो जाएगा सेकेंड नंबर बी और डी, मतलब महिलाओं में बोला था दिल्ली शहर के बाहर से मकबरों को नहीं निकाला जाए, तो ये जो है सो बी और डी, मतलब बी फिरोज शाह और सिकंदर लोदी बोला था। ये क्वेश्चन देख सकते हैं बलवन क्या बोला था, इसका क्या था, इसका जो है सो आपका थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा, ये थर्ड ये सी होगा। तो 43 का देख रहे हैं अमीरों का अकबर के बारे में दिया है, तो इसका भी थर्ड हो जाएगा, ये साथ ही वह शेख खाजा एक खाजा अली खलिया गाना भी सुने होंगे, अमीरे के साथ जोधा अकबर जो निकला था, तो वहाँ से भी आपसे, लेकिन मेन आपको ये सब क्वेश्चन के पैटर्न समझना है। कबीर के रचनाओं में क्या था, तो अब देख रहे हैं बहुत सारा दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया है कौन सा होगा, तो 44 का जो है सो थर्ड नंबर हो जाएगा, तो आई होप यू कैन वॉच दिस एंड। और फिर उसके बाद जो है सो 45 में चलते हैं, निम्नलिखित में से सुरमेलित करने के लिए दिया है, तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन देखिए चित्र से। उसके बाद 46 का जो है सो टू हो जाएगा, तो ये सब इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो ये हम इसीलिए सब दिए। उसके बाद 47 है जो एक शाही फरमान द्वारा निर्देश किस राजा को जागीर करो, तो इसका हो जाएगा मिर्जा जो है सो जय सिंह, इसका थर्ड नंबर हो जाएगा। 48 इंग्लिश स्वयं कीजिए, तो इसको वही है अबुन बत्ता का नाम सुने होंगे, ये सब जो है सुनने से आपको बहुत मिलेगा, तो इसका जो है सो फोर्थ हो जाएगा अवल रुजाक सीरिया, ये नहीं ये मैच नहीं करता, बाकी सब ये सही है, ये रूस का ये इवन बतूता पूछ देता है कहाँ का रहने वाला था, तो मोरक्को अथेन्स कहाँ का था रूस का, निकोली डी टी कहाँ का था इटली का, ये तीनों सही ये गलत, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद है जो बाबर हिमायू के बारे में दिया है, जो आदेश नहीं दिया था, क्या नहीं दिया, चित्रकारों को तस्वीरों बनाने को आदेश नहीं दिया था, तो कौन मतलब ये बोला था, जो भी है थी क्वेश्चन देखे, इसका आंसर जो है सो बाबर, ये बात बोला था बाबर और जहांगीर, ये दो जो है सो बोला था बाबर। उसके बाद जो है सो निम्नलिखित पुस्तकालय का भवन 50 है हरम भरम में रखा था, जहाँ हरम के महिलाओं उसके सोने से पहले उसकी पुस्तक पढ़कर सुनाती थी, मतलब पुस्तक पढ़कर सुनाती थी, तो ये अकबर, अकबर जो है ग्रेट वैसे नहीं था, तो वो हिंदू मुस्लिम लेकर के चलता था। 51 का क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, मुगल वंश से है ये, मुगल वंश सब थोड़ा पढ़ना होगा डीप से, तो पहले इसको पढ़िए आप, और आपको ये बहुत हेल्पफुल जो है अकबरनामा नाम सुने होंगे, तो इस ये अकबरनामा देते लेकिन बहुत डीप से दे देता है, तो इसका आप ये क्वेश्चन पढ़िएगा तो समझ होगा, इसका आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा, ए और डी, ए और डी दोनों सही है और दोनों जैसे गलत। उसका निम्नलिखित में से बोला जहांगीर के दरबार में थे, तो जहांगीर के दरबार में जो है 53 का आपका जो है सो थर्ड नंबर हो जाएगा, बी और सी, बी से अबुल हसन और सी जो है सो आपका उस्ताद मसूर, और भी है नवरत्न भी अकबर में, तो 54 का हो जाएगा आपका, 54 का जो है सो फोर नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़िए इसलिए यू कैन प्लीज। 55 का जो है सो यहाँ पे देखिए काश्मीर के बगीचे ये सब दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा। उसके बाद जो है सो ये भी क्रम क्रॉनिकल बीजापुर कहाँ पे, चार मीनार जानते हैं, यहाँ हैदराबाद में, ये तो आप जानते होंगे, तो कहने का सेंस है 56 का जो है सो आपका आंसर 3 हो जाएगा, तो सी मतलब क्या हुआ, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम, पूछ देता है बहुत बड़ा शेरशाह का मकबरा को, ये सीजीएल में भी पूछता है, ये सब गोल गुम्बद सी बी ए डी मतलब ये सीक्वेंस बोला है, तो पहले सी हुआ था शेरशाह का मकबरा, दूसरा बी जो है सो ये इम्पोर्टेंट है हुमायूं का मकबरा, मतलब ये मतलब पहला हुआ,
उसके बाद दूसरा ये हुआ और तीसरा जो है सो ये हुआ, चार मीनार जानते हैं ना, ये हैदराबाद में, ये बहुत बार पूछा चार मीनार कहाँ पर। और उसके बाद ये बना था, ये क्रॉनिकल है। और उसके बाद जो है सो डी नंबर जो है सो बीजापुर, ये भी पूछ देता है गोल गुम्बज कहाँ पे, तो बीजापुर में याद रखना है, तो ये डी नंबर मतलब फोर्थ हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ये हम बताए हैं जो 57 जो दिया है, तो 57 का आपका आंसर हो जाएगा टू। देख लीजिए क्वेश्चन जो भी होगा। 58, 58 का जो है सो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, और 59 का जो है सो सेकेंड हो जाएगा, गुरु नानक और गुरु सिंह, मतलब बोला था क्या, सर हिंद आक्रमण का वादा, बंदा बहादुर के पास ना पारी जो भी है, तो देख लीजिए क्वेश्चन पढ़िए। गुरुओं के नाम है, मैं लिस्ट भी दूंगा, 10 गुरु था, तो पहला कौन था, कौन है ये सब साहब का, मतलब ये जो सिख धर्म है उसको बारे में क्या सब, ये तेग बहादुर क्या किया था, ये औरंगजेब के समय में था, तो ये सब ध्यान रखना है। 60 का जो है सो आपका बोला है राजा लेखकों और रचनाओं का कौन सा सुलिंगित नहीं है, तो ये दूसरा जो है सो मैच नहीं कर रहा, बाकी सब कुछ ये सही है, ये जो है मोहम्मद कजीम ये सब सही है, अलीमगढ़। 61 का आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पढ़िए, अकबर बुक क्या बोला था, नहीं बोला था टोडरमल के बारे में, ये टोडरमल जो है सो फिनेंस मिनिस्टर था, ये याद रखिएगा, अकबर के दरबार में ये फिनेंस मिनिस्टर था, मिनिस्टर फिनेंस एफ एम मतलब। उसके बाद आपका 62 है, ये हुंडी निम्नलिखित में से छूट की मध्यकाल में जानी जाती थी, तो उसको बोलते थे आंट, इंग्लिश में एम थे, ANTH आंट बोला जाता था। उसका 63 का है जैसे सेकेंड है, 64 का तैमूर जो नाम सुने होंगे, 64 का जैसे फोर हो जाएगा औरंगजेब। उसका 65 का आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर डी हो जाएगा, देख लीजिए क्वेश्चन पढ़िएगा, जहाँ जहाँ लेगा समझा भी देंगे। 66 का फोर हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन को पहले समझिए ये कैसे होता है, किस तरह से पूछता है। 66 का 7 का जो है सो 2 हो गया, 68 का जो है सो गया, किस सर्वप्रथम अनुसूचित शेड्यूल कास्ट किस में आया था, ये तो आप लोग जानते भी है, नहीं जानते है, तो ये जो एक्ट आया था गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, तो ये इसका जो है आंसर क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका आंसर जो है सो फोर्थ नंबर हो जाएगा। 57 का रिवोल्ट हम लेक्चर दिया हूँ और भी देंगे जो भी रहेगा उसको समझने का, यहाँ से बहुत सारा अभी इंडियन हिस्ट्री है, तो आपको 57 का तो 1857 समझना जरूरी है। स्टार्ट तो 71 में हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन देखिए लोग, फोर्थ नंबर हो जाएगा, ये क्या हुआ था मेरा, इसलिए 71। 72 का जो है सो पूछा है कौन सा, तो ये चार्ल्स टेलर है, 74 नंबर हो जाएगा, यहाँ पर फोर्थ नंबर, यहाँ पर हिंदी बायलिंगुअल है देख सकते हैं। उसके बाद 73 में जो है सो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड सही है दमों का, 74 का जो है सो थर्ड हो जाएगा, 75 का जो है सो आपका फोर आपका थर्ड हो जाएगा, थर्ड 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 लॉर्ड मी लॉर्ड नहीं 75 का लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ये जो है सो 1857 रिवोल्ट का ये भी था, 1857 में क्रांति हुआ था, उसी समय में गवर्नर जनरल भी था, तो ये दयालु, ये बहुत मतलब क्लेमेंसी जो है ना, ये वर्ड क्लेमेंसी इसका मतलब दयालु होता है, उसका एक उपाधि दिया गया। 76 का जो है सो आपका थर्ड हो जाएगा, 77 का जो है सो अविंद अभिनेन्द्र टैगोर हो जाएगा, 78 का जो है सो फोर्थ नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए महात्मा गांधी क्या बोला था नहीं तो इसे बताएंगे। 79 का जो है सो आपका टू हो जाएगा, मैच कर लीजिए। 1914 में क्या हुआ था, ये सब दिया हुआ जहाज के बारे में, ये बहुत भारतीय प्रवासी को उतारने पर किस देश ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वहाँ पे जो मतलब इमिग्रेंट था इंडियन, उसको जैसो शिप से मतलब उसको रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया था, बहुत बार पूछ चुका है, ये कनाडा है, बहुत धीरे धीरे नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन दे सकते हैं इंग्लिश हिंदी में। 82 का जो है सो थर्ड होगा, ये महात्मा गांधी का जो है स्टेटमेंट जो भी, 83 का जो है सो फोर्थ हो जाएगा, उसके बाद ये योजना है, बहुत सारा योजना है, तो मोहबिल्स योजना जो है सेकेंड था, द्वितीय पंचवर्षीय सेकेंड था, पूछ देता सेकेंड, और होप्स तो फर्स्ट था, तो हम लिख देंगे सीरियल वाइज में, याद रखिए सेकेंड योजना था, अभी जो कांग्रेस गवर्नमेंट जो योजना चलाया था ना, अभी उसको अभी हमारा गवर्नमेंट नीति आयोग बना दिया है, तो जो भी है नेशनल ट्रॉफी ऑफ इंडिया, उसका पूरा हम सब जानते हो।
नहीं तो हम बताएंगे 84 का आपका वन हो जाएगा, 85 का आपका आंसर देख सकते हैं फोर्थ, 86 का वन ये सब देख लीजिएगा पढ़िएगा सुंदर से, 87 का टू, उसके बाद ये अधिवेशन हुआ था अमृतसर कांग्रेस, जानते हैं कांग्रेस का 80 कांग्रेस जैसे कब हुआ था 1885 में हुआ था, तो यहाँ पे फर्स्ट एओ ह्यूम ये बनाया था, उसके बाद फर्स्ट क्या था डब्ल्यू सी बनर्जी, ये सब याद रखना होगा, ये सब आप जानते भी होंगे नहीं जानते होंगे तो हम आपको लिख दिया हूँ, इसी तरह से करवाएंगे और दे देंगे। उसका 88 का जो है सो द लीडर बोला जाता था उसको, इससे संबोधित नहीं किया था लीडर से, बाकी हरिजन यंग इंडिया ये गांधी जी हरिजन लिखे हैं यंग इंडिया लिखे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी के बारे में इंडियन ओपिनियन, ये तीनों चीज़ याद रखिए महात्मा गांधी जी बोले थे, बाकी लेकिन द लीडर नहीं। इसका फर्स्ट हो जाएगा, 90 का जो है सो 90 का फोर हो जाएगा, तो आप दोनों देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में है। उसके बाद 91 का जो है सो सेकेंड हो जाएगा, 92 का जो है सो लाहौर याद रखिएगा, 1901 में क्या हुआ था फर्स्ट के बाद महाविजय दिल्ली का स्थापित, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1901 में लाहौर में हुआ था। 93 जो है सो सेकेंड हो जाएगा, 94 जो है सो पंजाब हो जाएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा आपको कमेंट कीजिएगा हम बता देंगे सब सब का क्वेश्चन का, लेकिन मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ ये क्वेश्चन का। उसके बाद 95 का फोर हो जाएगा रामचंद्र गुहा, उसका 96 का जो है सो टू थर्ड होगा टू नाइट टू, उसका 97 का जो है सो वन हो जाएगा, उसके बाद 98 का बिपिन चंद्र हो जाएगा याद रखिएगा, ये जो इतना ऐसे द डेफिनेशन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द एजेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री प्रॉब्लम इशू दीज आर द स्पेशली इशू मतलब पढ़ लीजिएगा इसको, ब्रिटिश टू बिगिंस कहने का सेंस है किसी भी देश के कालों में बंटवारा ये सब जो है सो परिभाषित किया है, ब्रिटिश कैसे क्या क्या नहीं किया मध्यकालीन से सब, ये जो है बिपिन चंद्र नाम से नहीं होंगे तो इसको देखिएगा। 99 का जो है सो आपका थर्ड हो जाएगा, 100 का जो है सो कौन सा नहीं है तो किस पुस्तक के बारे में थॉमस के बारे में नहीं है 100 क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। द राइजिंग ऑफ मैन ये नहीं है, बाकी सब कुछ है कॉमन सेंस, ये द रीजन ऑफ रीजन उसका रिफ्लेक्शन एंड रेवोल्यूशन इन फ्रांस, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, एंड ये आप ये जो भी बताए हैं उसको सब्सक्राइब कर कीजिए चैनल को, और तो मेरा भी मैं भी मेहनत कर रहा हूँ इस सब रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा भी क्या हुआ है तो आई होप ये अच्छा लगेगा लगा होगा ये क्वेश्चन, इनको आप रिव्यू कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट होगा इसको हम समझाएंगे क्या होता है इम्यूनिटी सिपाही इम्यूनिटी, याद रखिए आप वीडी सावरकर का बहुत सारा हिस्टोरियन का पहले कंटेंट बनाइए ईयर बनाइए कौन का, मतलब पहले ये क्वेश्चन देने का मेरा पर्पस है जो आप कैसे हिस्ट्री पर मतलब अपना कमांड बना सकते हैं। थैंक यू।